दिस इज द सेम प्लेस जहां पे खिलजी खड़ा हुआ था। किसी जमाने पे यहां पे खिलजी ने डेरा डाला था। परमिशन लेकर आए, बोला आप इसको रिकॉर्ड करना, ट्राइपॉड यूज मत करना। किसने बोला? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना आप लोग का। वन एंड हाफ स्टोरी ये टॉप में था, जौहर के बाद इसे नष्ट कर दिया गया। कुछ चीजें सेव बची है वो आपको देखना है, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल था उनका। आज परिवार की जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती थी वो यहाँ होती थी। उसका रीजन कि 100 में से 10% लेडी के कानों में लेड डाल दिया जाता था, गर्म जस्ता। मीटिंग होती उसी लेडी को वो इन्वाइट करते हैं कि जिससे उसकी सीक्रेट बात लिखनी हो और डिसिप्लिन जो है वो उनके मुताबिक चले। अच्छा, ये सब यहाँ पे दासियां रहा करती थी? ये मेड सर्वेंट के रहने के क्वार्टर्स हैं, ये उनके टॉयलेट बाथरूम। अच्छा, तो कितनी दासियां रहती थी यहाँ पे? 13,000 दासियां। अच्छा, पद्मनी। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हिसाब रहा होगा। तो 13,000 दासियां यहाँ कैसे? वन एंड हाफ स्टोर था ना सर। अच्छा, इसके ऊपर भी था पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। चेहरे को भी दिखाना था और मेवाड़ की रानी का इज्जत भी बना रहे, तो उन्होंने मुझसे 10 दिन का समय लिया। 10 दिन के दौरान ये उन्होंने रूम एडजस्ट किया। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खिलजी खड़ा था, ठीक है, और यहाँ से वो पद्मावती जी का, हाँ, मिरर में इधर से वहाँ पे उसका खिलजी का जा रहा था। आप पहले यहाँ आइए। हाँ ठीक है, ये मिरर लग रहा है जैसे। हाँ, उसका प्रतिबिंब जो है वो स्टेयर्स में आएगा। अब आप पीछे अगर टर्न लेंगे, हाँ, तो वो जो स्टेयर्स है, हाँ, ये वॉल से कवर्ड हो जाएगी, आपको आगे जाने का चांसेस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो जो नीचे की जो सीन है ना सर, हाँ हाँ, वहाँ उस पद्मिनी को बिठाया गया, पद्मावती जी को बिठाया गया। राइटर ने अपना अलग अलग मत लिखा है, किसी ने कहा कि दासी को बिठाया, किसी ने कहा कि उसका जो काका था गोरा, हाँ, उसको बिठाया। इसमें अभी कोई फैक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, इस जगह बिठाया गया था ना? ये जो नीचे सामने सीढ़ियां है सर, उस जगह महारानी को बिठाया। अच्छा, सो एज पर आवर गाइड दिस इज द सेम प्लेस जहां पे खिलजी खड़ा हुआ था। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो मिरर के थ्रू जो पद्मावती जी का दिख रहा था, द सेम प्लेस सामने जो महल दिखा रहा वहां पे पद्मावती जी। तो अब हम लोग वहां जा रहे हैं जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सेना के साथ वहां पे डेरा टाइम आया था। फर्स्ट टाइम में हार मिली, सेकंड टाइम में आया वो 23 महीने बाद। साढ़े कितना महीने बेटा था? साढ़े छह महीना। दिवाली से होली तक। यस। अब काफी चीजें ऐसी है जो मूवी में बताई भी नहीं गई थी। अब देखिए, हमारे जो गाइड हैं उनकी चेन बार बार में उतर रही है गाड़ी की, तो हम लोग इधर ही आटे फेरे मार रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं खिलजी जहाँ पे रुका था वो जगह देखने जा रहे हैं, है ना? वही जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ ले जाएंगे भैया, तू और आत्मा मत जला मेरी। तब देखो, हमारे गाइड बताए, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, यही मेन गेट है इस महल का और यहीं से खिलजी एंटर हुआ था। वाह, मतलब मेरे को वो फुल विजुअलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो एंड में जो गुस्से में वो पूरी सेना को लेकर आता है ना, पूरा ऐसा धक्के धक्के मारता है, वो सब पूरा ऐसा ऊपर चढ़ के जाता है। इस गेट का नाम रखा गया सूरजपोल। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक का जो राज परिवार था वो पर डे भगवान सूर्य का दर्शन के लिए आता था, सूर्य को अर्घ देने के लिए। ये इष्ट में बना ही है। बहुत सी बार मानसून डिस्टर्ब होता, सूर्य के दर्शन नहीं होते, तो एक सवामन सोने का सूर्य होता था, उसकी पूजा अर्चना करने के बाद वो अंजल ग्रहण करते थे। वो आजकल उदयपुर सिटी पैलेस में रखा है। ये नीचे एरिया बना है सूरजपोल गांव, 6 गेट इसके नीचे बने हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के लिए 130,000 सेना के साथ फर्स्ट टाइम इस ओर से आया था, दिल्ली से। फर्स्ट टाइम में हार मिली, 23 महीने बाद दोबारा आया और 6.5 महीने तक उसने इस किले को यहीं से घेर के रखा। मतलब ये यहाँ नीचे पूरे गांव में उसे पूछा गया तो उसे चेहरा दिखाया, फिर डोलियों के अंदर राजपूत सरदारों को लेडीज की ड्रेस पहना के भेजा गया। वो यही एरिया है। यहीं पे राजपूत सेना का खात्मा होने के बाद 13,000 लेडी और रानी जिंदा आग में जलती है, जिसे जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गया वापस फोर्ट में, राग के अलावा उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने पूरा फोर्ट तहस नहस कर दिया
और दिल्ली जाने के बाद उसका बेटा था खिजर खां, उसे किला सौंपा, तो उसने इस फोर्ट का नाम रखा खिजराबाद। इस पहाड़ी को गौर से देखिए, जैसे कोई एक विशाल काय डेड बॉडी सोई हुई हो। कुंभकर्ण बाद बोलते हैं, आगे मुंह, बीच में पेट, पीछे पैर, पैरों के सेंटर में एक टावर दिख रहा है आपको। हाँ। वहीं से राणा लोग आखेट वगैरह क्या करते थे। यार मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ महल का जो मेन एंट्रेंस जो पहले था, और लिटरली जो फील आ रहा है, ये जो जगह है यहाँ पे खिलजी ने अपना डेरा डाला था 6.5 महीने तक, और ऐसा फील आ रहा है कि क्या बताऊँ आप लोग को, मतलब इन दीवारों ने, इन महल ने, इस एक एक पत्थर ने, इन सब चीज़ों ने कितना इतिहास देखा है, क्या क्या चीज़ें सहन करी है, देखी है, अनबिलीवेबल, मतलब मज़ा आ गया एक नंबर। और किसी ज़माने पे यहाँ पे खिलजी ने डेरा डाला था। जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो लोग, वो चीज़ आप खुद यहाँ पर आके फील कर सकते। एक घोड़ा बड़ा चमक रहा बाकी आपका, एक मैंने रास्ते में देखा वो तो नील वगैरह लगा रखी थी घोड़े पे। अच्छा, कितने टाइम में नहलाते हो? ये सुबह शाम दोनों तरफ नहाते हैं। दोनों टाइम नहलाते हो? कालू मीणा। कालू मीणा जी, मीणा हो आप? अच्छा, मेरे एक मित्र हैं बहुत खास, राहुल मीणा, वो ही मीणा ही है। अच्छा। जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, घोड़ा यहीं पर ही रहते हो क्या आप ज्यादातर? अच्छा, तो यहाँ पे घोड़े के साथ फोटो वोटो खिंचवाना हो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये मेन एंट्री है फोर्ट की, और यहाँ से ही टोटल 7 दरवाजे नीचे स्टेयर्स से उतर के, ये पुराना दरवाजा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उधर की साइड बना दिया गया। तो जितने भी भाई लोग जा रहे हैं अभी, इन्होंने चैनल का नाम पूछा, इन सबको चैनल का नाम बताया, होपफुली ये लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अब वो आया और ये खिड़की, मैंने की भाई क्यों खोल रहा है, कि हम यहाँ फोटो शूट लेंगे, मैं इधर फोटो शूट नहीं लेने दूंगी। तो देखो अभी ये अपना ड्रोन का बैग अक्षित के हाथ में था, एंड मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग वहाँ शूट कर रहा था, तो क्या हुआ था भाई, मुझसे पूछा इसमें ड्रोन है क्या, मैंने कहा हाँ है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी थी, मैंने कहा पता है मैं। अरे तो कौन सा बाहर निकाल लिया कि उड़ा लिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम कहीं उड़ोगे, किस्मत नहीं है इसको, कहीं बाहर दूसरी कंट्री में रहे वहाँ उड़ने का अवसर मिलेगा, 15 मीटर से ज्यादा भी उड़ सकता है। तब देखो ये होती है अपनी चित्तौड़गढ़ व्लॉग सीरीज की एंडिंग, काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफी मतलब ड्रोन वोन तो उड़ा नहीं पाए यहाँ पर अपन, और काफी यहाँ के रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, और काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई, काफी जगह फाइट भी करना पड़ा, और जो मेन जो हम लोग टारगेट लेकर आए थे, जो टेंट लगाना था रात को, जो टेंट में स्टे करना था, दैट वी डिड इट। और यदि अभी तक पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो आप, और कीप सपोर्टिंग। बाकी आप लोग कभी आएंगे यहाँ पे तो यू कैन इजीली एक्सपीरियंस दिस थिंग, मतलब वीडियो में और फुटेजेस में इतना ज़्यादा ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, और आप लोगों को फील भी नहीं आ पाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इस जगह पे आएं, और जो इस जगह की जो गौरव है, जो कीर्ति है, क्या कहें, इतनी ज़्यादा हिंदी मेरी शुद्ध है नहीं, बट फिर भी, और ये जगह देख के, ये सीन देख के, मतलब ऐसा फील आता है कि जो मूवी में देखने के बाद जो फील है वो लिटरली आई कैन इमेजिन ओवर हियर, कि यहाँ पे जो खिलजी ने जो अपना डेरा डाला होगा वो किस तरीके का था, कैसा था, और जो एंट्री ली थी यहाँ पे, पूरा फाइट हुआ था, और वो इस मेन दरवाजे से एंट्री ली गई थी, तो एक अलग ही फील है इस जगह का, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर और एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ट्रिप में, कुछ नए करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, शुक्रान फॉर वॉचिंग।